नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरजे प्रोडक्शन में। आज हम आपको फिर से लेके आ चुके हैं चनाब ब्रिज में, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और ये आपस में कोड़ी एंड और बक्कल एंड में बनाया जा रहा है। ये जो बक्कल एंड है ये कटरा वाली साइड है, और जो कोड़ी एंड है ये श्रीनगर वाली साइड है, जो बनिहाल वाली साइड है। और बक्कल एंड से भी उतना ही काम हुआ है जितना कोड़ी वाली एंड से हुआ है। अभी जो बक्कल एंड में आपको बता दूं कि ये T2 एंड T3 टनल को आपस में कनेक्टेड करेगा केवल स्टेट ब्रिज, उसकी भी मैंने एक छोटी सी क्लिप्स आपको एंड में दी हुई। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये मेन आर्च, जो कि 487 मीटर, इसका जो मेन आर्च का स्पैन था उसे कंप्लीट करने में थोड़ा सा बाकी रह चुका है। आई थिंक ये 15 से 20 मीटर के आसपास बीच में होगा और ये कंप्लीट कर दी जाएगी। ये जो पिछली वीडियो थी मैंने जनवरी में दिखाई थी आपको, उसकी एक छोटी सी क्लिप्स थी, देखिए तब कितना काम कंप्लीट हुआ, अब कितना काम कंप्लीट हुआ है। कुछ मुझे कमेंट्स बहुत आते हैं कि ये लगभग 2050 में कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्च एंडिंग तक मेन जो आर्च है इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद पेयर्स का काम होगा, जो 17 पेयर्स बनेंगे इसके ऊपर और पीछे और आगे, उसका काम लगेगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो टफ चैलेंज था हमारे जो ये इंजीनियर्स हैं इनके, वो मेन आर्च का ही था, और उसके बाद इसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि मेन जो पेयर्स होंगे इतना उसका मुझे नहीं लगता कि इतना उसका टाइम लगेगा। बट देखो अभी क्या होता है, जैसे ही उसके पेयर्स बनना शुरू होंगे तो मैं आपको उसकी भी एक वीडियो दिखाऊंगा। और आप सबको मैं बता दूं कि इसका जो मेन जो पेयर्स हैं, एक 133 एक हाइट में मैक्सिमम हाइट वाला पेयर्स बनेगा, और बाकी तो छोटे छोटे पेयर्स बनेंगे, बट सबसे जो बड़ा पेयर स्पैन्स होगा 133 उसकी स्पैन की मैक्सिमम हाइट रहेगी। उसके बाद जो छोटे पेयर्स होंगे वो भी बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये जो जब हम बक्कल एंड से दिखा रहे थे तो ऐसा लगता है, बट जो मिड पॉइंट से देखोगे फिर पता चलता है कि कितना इसका आर्च बची हुई है। अभी देख सकते हैं कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा छोर बचा हुआ है, एक स्पैन है, तो उसके बाद इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये जो हम ही आप खड़े हैं ये बक्कल एंड से खड़े हैं, और जो आपको सामने दिख रहे हैं ये कोड़ी एंड है, जो कि श्रीनगर वाली साइड है, जहाँ पे बक्कल वाली साइड है, ये कटरा वाली साइड है, जो T2 टनल T3 टनल और रियासी यार्ड बनेगा जो सब स्टेशन, उस वाली साइड है। और जो बक्कल कोड़ी वाला साइड है वो अभी आप सामने देख सकते हैं, वहाँ से भी उसके जो सेगमेंट है पीछे देखिए वो भी लग चुके हैं मैक्सिमम। तो इस साइड मैंने जब देखा तो जो बक्कल एंड से जो आगे थोड़ा सा एक पोर्शन था उसमें भी बहुत ज़्यादा ये COVID-19 के चलते काम थोड़ा रुका हुआ था, बट अभी ये काम बहुत ही जोरों जोरों से चल रहा है। अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि कितनी इसकी प्रोग्रेस हुई है अभी एक दो डेढ़ महीने के बीच बीच में। मुझे लगता है कि मार्च स्टार्टिंग में ही इसे आज को मेन जो आज का स्पैन है इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसकी लेंथ है 485 मीटर, इसे जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इसकी पूरे ब्रिज की लेंथ रहेगी 1.3 किलोमीटर, इसकी पूरी लेंथ रहेगी इस ब्रिज की, और ये इसका जो लगभग जो ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। बात करें टनल्स की, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि 111 किलोमीटर आप सबको पता होगा कि इसकी लेंथ है कटरा से लेकर बनिहाल के बीच में, बट 97 किलोमीटर जो होगा ये एरिया ये टनल्स के बीच में से होगा। आप सोच के मैं भी खुद हैरान हो गया जब मैंने पढ़ा था, तो ये आउट ऑफ 87% पड़ता है इस पूरे ब्रिज के जो लेंथ रहेगी उसमें, उसका जो कटरा से बनिहाल के बीच में 87% आप टनल्स के बीच में से ही गुजरोगे। 40 से ज़्यादा माइनर ब्रिज का इस्तेमाल किया जाएगा और 27 से ज़्यादा टनल का इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे ब्रिज के लिए। और आपको मैं बता दूं कि जो 70% टनल है ये भी कंप्लीट कर दिए जा चुके हैं। जो ये ट्रैक का काम है ये भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि हम पिछले बार जो अंजी घाट ब्रिज की एक वीडियो हमने क्लिप्स दिखाई थी जब हम गए थे एक महीना पहले, तो उस जो रियासी यार्ड बनने जा रहा है उसका थोड़ा सा भी एक सिर्फ एक पिलर्स बने थे, उसके बाद कुछ नहीं बना हुआ था वहाँ पे। बट इस बार हम गए जब तो देखा हमने कि वो कम से कम उसके जो 3-4 पिलर्स के ऊपर जो सेगमेंट लगाए जाने थे वो लगाए जा चुके थे। हम खुद शॉक हुए, हमारी जो टीम थी वो देखने के कि कितना ज़्यादा प्रोग्रेस की जा रही है। आप सबको मैं बता दूं कि इसका जो काम है बहुत ही जोरों शोरों से चला है, जब से COVID-19 आया था उसके बाद थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा स्लो हुआ, बट एक दो महीने से इसका काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। ये वाली साइड है जो ये कोड़ी वाली साइड है, इस साइड से भी जैसे बक्कल एंड से दिखता है वैसे ही कोड़ी वाली साइड से दिखता है। ये अभी जो हम खड़े थे ये बक्कल कोड़ी वाली साइड है, सॉरी ये कोड़ी वाली साइड है, ये जो सेगमेंट पीछे देख रहे हैं ये जो सारे कोड़ी वाली साइड से हैं।
पूरी वीडियो देखी मैंने, जो रियासी यार्ड है उसकी भी एक छोटी सी क्लिप्स डाली हुई है, और जो अंजी घाट ब्रिज है उसकी भी एक क्लिप्स डाली हुई है, जो बीच में इसका काम कंप्लीट हुआ है उसकी भी एक क्लिप्स डाली हुई है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो बकलैंड से पहले जो थोड़ा सा एक ट्रैक बिछड़ा है, ये इसका व्यू था। मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये जो पिछले महीने हम आए थे तब नहीं था। देखिए इसका काम भी कितना प्रोसेस शुरू हो चुका है इसका भी, जब जब ये आई थिंक ये पुल के साथ साथ ये ट्रैक जो है ये कोड़ी वाली साइड से बना हुआ है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये है जो रियासी यार्ड बनेगा, रियासी स्टेशन बनेगा, वो वाला हिस्सा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पिलर से जब हम पिछले महीने गए थे जनवरी में, ये जो ऊपर ट्रैक बन रहा है ये पूरा का पूरा इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसका भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये लगभग एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर बना हुआ है। जो ट्रैक है ऊपर आप देख रहे हैं सेगमेंट लगाए जा चुके हैं, ये इसकी बहुत बड़ी लंबी हाइट है। मैंने देखा तो इसको, मैं भी ये देखिए कितना लंबा है ये यार्ड पूरा, जो रियासी स्टेशन बनाया जाएगा वो है। अभी जो देख रहे हैं ये सिंगल पाइलन है, जो कि केवल स्टेट ब्रिज है, ये T2 टनल एंड T3 टनल को आपस में कनेक्टेड करेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।